भ्रूप्रतीक्षित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते एका शानदार कार्यक्रमात रविवारी झाले. उलिनोडमधील गणेशपुरी येथे झालेल्या या ऐतिहासिक भूमिपूजन समारंभाला नागरिकांची प्रचंड संख्येने उपस्थिती होती. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकासाचा महत्वाचा टप्पा असून यामुळे प्रगतीची दालने खुली झाली असल्याचे पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले. गेल्या अनेक वर्षापासून विविध कारणांमुळे रखडलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा प्रकल्प अखेर मार्गी लागला आहे. प्रस्तावित विमानतळाच्या परिसरात झालेल्या शानदार भूमिपूजन समारंभाला राज्यपाल श्री विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री अशोक गजपती राजू, केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, भाजपचे जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते. या कार्यक्रमात माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर, आमदार मंदा म्हात्रे यांच्यासह भाजपचे पदाधिकारी, नगरसेवक, नगरसेविका आणि हजारोच्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी मुंबई विमानतळ हा प्रकल्प मार्गी लागत असल्यामुळे समाधान व्यक्त करून नियोजित वेळेतच हा प्रकल्प पूर्ण होईल असा विश्वास व्यक्त केला. या प्रकल्पामुळे विकासाच्या आणि रोजगारांच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. इसके पहले 20 साल 25 साल तक कभी आप सोच नहीं पाए. अगर 2022, 23, 24, 25 इस कानून को देखें तो आप देखेंगे कि यहीं पर आपके आंखों के सामने नवी मुंबई के एयरपोर्ट से विमान उड़ने लगे होंगे. इसी कानून में जब समुद्र का 22 किलोमीटर लंबे ट्रांस हार्बर ब्रिज रोड पर आपकी गाड़ियां पूर्ण झड़प से दौड़ती होगी. इसी कालखंड में मुंबई डबल लाइन सबअर्बन कॉरिडोर का काम पूरी तेज गति से पूरा हो गया होगा. उसी प्रकार से उसी समय आपके यहां समंदर से जुड़े हुए जितने भी प्रोजेक्ट है, पानी से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए, रेल से जुड़े हुए, एक साथ 22 के आसपास के समय में आपको नजर आने लगे. और दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्टैचू भी तैयार हो गया होगा. आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे बदल आएगा, कैसे बदल जाएगा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रस्तावित विमानतळाच्या वाटचालीची माहिती आपल्या भाषणात दिली. मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे इस करगिल तालुका के ग्रामस्थों को जिन्होंने अपनी जमीन इस एयरपोर्ट के लिए दी और मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि 98% जमीन हमारे हाथ में आई. हमको उसका एक्विजिशन नहीं करना था, लोगों ने स्वयं स्वेच्छा से यह जमीन हमको दी और एक बहुत ही अच्छा देश का सर्वोत्तम ऐसा पुनर्वसन का पैकेज हमने देने का प्रयास किया. तो मैं ये मानता हूँ कि इन लोगों के कारण आज हम इसको कर पा रहे हैं. साथ ही मैं नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने यहाँ पर JNPT और हमारे सभी जो किसान हैं उनके लिए संघर्ष किया, वो दीपा पाटिल होंगे या फिर हमारे